चलिए भाई, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल दोनों से पता चल ही गया है, आज हम यूपीपीएससी एपीएस रिक्रूटमेंट 2023 जो अभी रिसेंटली वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है वो हिंदी शॉर्टहैंड और कंप्यूटर से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन की चर्चा नहीं करेंगे। ये जो वीडियो रहने वाला है एपीएस यानी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की जो वैकेंसी है उसके एग्जाम पैटर्न और डिटेल सिलेबस की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। रही बात नोटिफिकेशन की, तो अगर आप पहले से नोटि मतलब आपको पता चल गया था अच्छी बात है, नहीं पता चला है तो इसका एग्जाम जो फॉर्म का लास्ट डेट है ना वो 19 अक्टूबर यानी 19 अक्टूबर लास्ट डेट है। अगर आप ये वीडियो उस डेट से पहले देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका नोटिफिकेशन का पीडीएफ दे दिया है, आप उसमें चेक कर सीधा फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी है उसमें देखो ग्रेजुएशन है आपका कंप्यूटर से हिंदी शॉर्टहैंड से रिलेटेड, तो शॉर्टहैंड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। शॉर्टहैंड का जो 80 नंबर 80 वर्ड वाला, ठीक है, एलिजिबल है आप। और एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, अब सर्टिफिकेट जो है ट्रिपल सी है या इसके इक्वलेंट है, अगर आपने डिग्री जो भी किया है तो वो भी एलिजिबल माना जाएगा। बाकी जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन को रेफर कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर और कोई सवाल है आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो उसे मैं कमेंट बॉक्स अगर ज्यादा लगा तो फिर सेपरेट वीडियो आपके लिए लॉन्च कर दूंगा, लेकिन जल्दी कर लेना एग्जाम डेट से पहले। चलिए तो हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न यानी सिलेक्शन प्रोसेस को अगर हम समझें तो 3 स्टेज में हमारा ये पेपर होना है। 3 चरण रहेंगे जहां पर ये पूरा का पूरा फेस रखा गया है। पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में हमारा जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा। उसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और इस फर्स्ट फेस में हमारे पास जो पेपर होगा उसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और हमारा कंप्यूटर नॉलेज। तीनों सब्जेक्ट के सेपरेट सेपरेट 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 50 नंबर मिलेंगे, यानी ओवरऑल देखे तो 150 नंबर का पेपर हो गया। इसके बाद सेकेंड चरण में, सेकेंड फेज में उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो इसमें मतलब पास होंगे या फिर मेरिट के आधार पर जो भी जितनी भी वैकेंसी है उसके 15 गुना एस्पिरेंट को या अभ्यर्थी को सेलेक्ट किया जाएगा। वो आपको बता दिया जाएगा कट ऑफ कितना गया उसी के आधार पर। सेकेंड फेज जो व्यक्ति सेकेंड फेज में रहेंगे, सेकेंड फेज में हमारा शॉर्टहैंड और टाइपिंग से रिलेटेड रहने वाला है। टोटल 100 नंबर का रहेगा सेकेंड फेज, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 75 नंबर का आपका शॉर्टहैंड हिंदी में होगा और टाइपिंग भी हमारी हिंदी में की जाएगी जो कि 25 नंबर की होगी। तो थर्ड फेज में उन्हीं स्टूडेंट को बुलाया जाएगा जो कि सेकंड फेज में पास रहेंगे। अब दोनों चरण यानी फर्स्ट और सेकंड को मिला के थर्ड फेज की लिस्ट शामिल की जाएगी। थर्ड फेज में जो हमारा आएगा 50 नंबर का टोटल पेपर रहेगा, जिसके लिए समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। इसमें कंप्यूटर के 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, कंप्यूटर भी स्पेशल 50 नंबर का, वो भी कौन सा प्रैक्टिकल वाला। और इन तीनों चरणों को जोड़ने के बाद एक श्रेष्ठ यानी फाइनल मेरिट बनेगी, फिर उसके आधार पर आपका सिलेक्शन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस है, ये एग्जाम पैटर्न है जिसके थ्रू हमें जाना है। अब अगर हम डिटेल सिलेबस की बात करें कि पहले स्टेप में हमारे पास जो 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य कंप्यूटर है, उसका सिलेबस क्या है। तो सामान्य ज्ञान 50 नंबर का है, उसमें आपके जो वर्ड संक्षेप रहेंगे, प्रसिद्ध पुस्तकें एंड लेखक हमारा 80 रहेगा। साइंस है, ज्योग्राफी है वो भी यूपी और भारत दोनों से संबंधित रहेगी, भारत का संविधान यानी पॉलिटी। स्पोर्ट्स है, हमारे स्मारक हैं, इमारतें जो स्पेशल यूपी और भारत दोनों से संबंध रखती हैं। और अंक गणित इसी में आएगा फर्स्ट के अंदर, जो कि 8वीं क्लास लेवल का रहेगा, 10th नहीं 8th लेवल का। तो सामान्य ज्ञान के अंदर मैथ्स इंक्लूड रहेगा, इस चीज का भी ध्यान रखना, करंट अफेयर्स ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है।
50 नंबर पे आपकी हिंदी है, हिंदी के वही पॉइंट है जैसे गद्यांश है, अपठ्य और मतलब गद्यांश पद्यांश दोनों है, और आपका लेटर है, मुहावरे, लोक्तियां, वन वर्ड है यानी अनेक शब्द का एक शब्द है, बाकी को शुद्धिकरण पूछा जाएगा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, और शब्दों के आधार हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, ये 10th लेवल का पूछा जाएगा। जैसे अलग से हमारे सामान्य ज्ञान में मैथ्स था, ऐसे यहाँ पर शब्द का अर्थ यानी मीनिंग है जो कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा 10th लेवल का। अब तीसरा जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसका नाम कंप्यूटर है, जो भी 50 नंबर का आना है। अच्छा, कंप्यूटर में कौन कौन से हमारे पास टॉपिक है, तो कंप्यूटर में सबसे पहले नंबर पर हमारा विंडोज प्लेटफॉर्म, जो कि डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर इन पर वर्किंग आपको आना चाहिए। वर्किंग के साथ साथ आपका पेरिफेरल जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, स्पीकर, इनके बारे में आपको प्रॉपर बेसिक नॉलेज जरूरी है। वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हमारा इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ में आपको वर्ल्ड वाइड वेब यानी पॉपुलर वेबसाइट जैसे रेलवे, एयर रिजर्वेशन, सर्च इंजन लाइक गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट लाइक विकिपीडिया के बारे में आपको यूज करना आना जरूरी, यूज जानकारी होना जरूरी, जानकारी के साथ यूज भी जरूरी है। अगर फोर्थ की बात करें तो वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल, ईमेल में सेंड कैसे करते हैं, सेंड में अटैचमेंट कैसे करते हैं, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग एड्रेस बुक, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ में हमारे पास वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है लाइक पावर पॉइंट या फिर पीडीएफ विथ डिफरेंट स्टाइल एंड एनिमेशन, ये हमारा एमसीक्यू पोर्शन है जो कि थर्ड नंबर में, फर्स्ट स्टेप में पूछा जाएगा 50 नंबर में। ठीक है, अगर हम सेकेंड फेज में जाएं तो सेकेंड फेज में आपको 75 नंबर का शॉर्ट एंड, जिसमें 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा और 60 मिनट का समय दिया जाएगा उनको ट्रांसलेट करने के लिए, यानी आपने जो डिक्टेशन किया उसे लिखने के लिए। उसके बाद 25 नंबर का टाइपिंग रहेगा हिंदी वाला, जिसके लिए 5 मिनट आपको दी जाएंगी। टाइपिंग जो रहेगी आपकी वो कुर्तिदेव के साथ साथ आपकी मंगल फॉन्ट का विकल्प भी दिया जाएगा, यानी जो हमारा रेमिंगटन गिल के अलावा अगर आप कुर्तिदेव में टाइपिंग आती है तो वो भी आप एलिजिबल है, इसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम थर्ड फेज के साथ जाएं जो कि तृतीय नंबर हमारा फेज है, उसमें जो कंप्यूटर हमने मेन रूप से फर्स्ट फेज में पढ़ा था मोस्ट ऑफ द केस में, उसी का पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है जो कि 50 नंबर का आना है। देख लेते, वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल, ईमेल से जैसे सेंड करना है, अटैचमेंट हो गया, रीडिंग हो गया, सेविंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, मेंटेनेंस, ये वही सब्जेक्ट जो हम एमसीक्यू में फर्स्ट फेज में पढ़ेंगे, उसका थर्ड फेज में प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको जो वेबसाइट की नॉलेज है, चाहे वो विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन हो, सर्च इंजन चलाना हो या फिर रिजर्वेशन करना हो, तो इन सब वेबसाइट का भी प्रैक्टिकल फॉर्म में आपसे कराया जाएगा। आपका हैंड ऑन का मतलब एमएस ऑफिस के बारे में कंप्लीट प्रैक्टिकल, जिसमें आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों को पूछा जाएगा, चाहे वो हमारी टेबल बनाना हो, मेल करना हो, हमारे पास डॉक्यूमेंट राइटिंग हो, सारे टर्म्स। स्पेशल पावर पॉइंट का मेकिंग, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, कैसे स्टाइल लगाते हैं, कैसे एनिमेशन लगाते हैं, ये प्रैक्टिकल है। और स्प्रेडशीट में आप फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ, तो ये वो वर्किंग मॉडल है। यानी स्पेशल अगर हम देखें, मैं समराइज करूं थर्ड फेज के हमारे सिलेबस को, तो मेन रूप से इंटरनेट के साथ साथ एमएस ऑफिस पर को जो प्रैक्टिकल है वो आपके थर्ड फेज में 50 नंबर का पूछा जाएगा। अगर आपके पास इन सब सिलेबस का पूरा सोर्स है तो वेरी गुड, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, जैसे एग्जाम डेट अनाउंस होगी हम आपको अपडेट कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर इसमें 50 नंबर का जो कंप्यूटर फर्स्ट फेज में है और थर्ड फेज में जो 50 नंबर का, टोटल 100 नंबर का जो कंप्यूटर है, उसका अगर हमें कोई
बैच वगैरह प्रोवाइड कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि हमारी जो अकेडमी है, मैंने यानी जो हमारा जो चैनल है, मेन रूप से बोला जाए कि कंप्यूटर से रिलेटेड, हम जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें अगर कंप्यूटर का पार्ट है तो उसके लिए हम कहीं ना कहीं सोर्स में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं स्टूडेंट को। इसीलिए जो एडिशनल मतलब एपीएस की जो वैकेंसीज हैं उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्वेरी आई, सर कंप्यूटर का आप कोई बैच या फिर कंटेंट प्रोवाइड कर दें, नोट्स प्रोवाइड कर दें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एपीएस का यानी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए बैच लॉन्च किया है, जो स्पेशल कंप्यूटर है। इसमें पूरा सिलेबस हम वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे, साथ ही साथ में उनका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। कंटेंट इसमें हम दोनों मीडियम में रखने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एक्सप्लेनेशन हमारा हिंदी में रहेगा, प्रैक्टिकल सेशन सेपरेट रहेंगे, यानी जो थर्ड फेज है हमारा जिसमें चार की पॉइंट है, मेन रूप से तो दो ही पार्ट है, इंटरनेट और एमएस ऑफिस, उनका मैं सेपरेट प्रैक्टिकल सेशन कराऊंगा, चाहे तो एमएस वर्ड की बात हो, एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो। और इंटरनेट के पोर्शन तो आपको ईमेल करना है, आपको मतलब वेबसाइट पर सर्चिंग करनी है, आपको सर्च इंजन चलाना है, रिजर्वेशन करना है, तो कैसे करेंगे ये सारी चीजें बताई जाएंगी। फर्स्ट फेज का आपको प्रैक्टिकल मतलब क्या बोला जाए, थ्योरी सेशन के साथ साथ आपको रिवीजन क्लासेस और रिवीजन नोट्स प्रोवाइड होंगे, लाइव टेस्ट और सुपर क्विज भी होंगे टॉपिक वाइज, जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे, और मोर प्रैक्टिस के लिए आपके पास टॉपिक वाइज क्विज रहेंगे। टॉपिक वाइज हर टॉपिक की एडिशनल प्रैक्टिस को आप मतलब प्रोवाइड फेस प्रोवाइड करते हैं, और मॉक टेस्ट आएगा। मॉक टेस्ट यानी पूरा का, जैसे फर्स्ट फेस होगा ना, तो फर्स्ट फेस में जो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे उसका एक मॉडल पेपर भी आपको दिया जाएगा। समय रहा तो ज्यादा देंगे, मिनिमम वन तो रहता ही है, हमारे हर बैच में हम मिनिमम वन देते हैं। टीयर 3 के लिए हम आपका प्रैक्टिकल सेशन के आधार पर भी हम आपके लिए क्वेश्चंस रखेंगे, जिसमें टोटली प्रैक्टिकल रहेगा, चाहे तो हमारे इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो या फिर एमएस ऑफिस से हो। तो अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो इनरोल के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हमने, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। रही बात कॉस्ट की, तो कॉस्ट मिनिमम है, यानी फर्स्ट फेज और थर्ड फेज दोनों के सिलेबस को मिला के जस्ट मिनिमम कॉस्ट रखा, इतने कॉस्ट में आपको कोई भी कंप्यूटर का सिलेबस प्रोवाइड नहीं करेगा, वो भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों। मेन है प्रैक्टिकल, सबसे बेहतरीन बात ये कि इसमें दोनों चीजें वही पूछी जाती है जो कि थ्योरी में पढ़ा जाता है, उसी का प्रैक्टिकल बेस में क्वेश्चंस आते हैं। ऐसी वैकेंसीज कम आती है, तो हर एक इंस्टीट्यूट के पास अगर आप जाओगे तो वहां पर प्रैक्टिकल सेशन या फिर इस प्रकार का कंटेंट ना मिले। रही बात आपको डेमो या फिर चेक करना है हमारा कंटेंट, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई भी टॉपिक, जो टॉपिक आपको आता है या जो टॉपिक आपको नहीं आता उसे आप सर्च कर सकते हैं। यार रिसेंटली कोई हमने वीडियो लिया है उसका आप उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कैसा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ये बात मतलब स्पेशल है कि हमारा जो चैनल है पूरा का पूरा कंप्यूटर एग्जाम से कवर्ड है, चाहे कोई भी एग्जाम उसमें हम कंप्यूटर का सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिसमें हमने यूपीपीएससी में जो एपीएससी यानी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की जो वैकेंसीज आई हैं, इसका जल्दी पेपर होने वाला है, तो अगर आप इस मतलब एग्जाम के लिए कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच स्पेशल आपके लिए है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। बाकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना या टेलीग्राम कर देना, कमेंट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसका अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप एलिजिबिलिटी, बाकी और भी जो एज लिमिट है, बाकी जो भी और एरिया होते हैं उनके बारे में भी आप अच्छे से देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में यहीं पर रखता हूँ और मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।